सुजन चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम हेडिंग टैग को यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो एच टैग है इसको हम हेडिंग टैग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम किसी एक वेब पेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हेडिंग, ठीक है। और ये जो हेडिंग टैग है ये बेसिकली छह टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6 करके। और ये जो डिफरेंट टाइप्स है हेडिंग टैग का, ये डिफरेंट टाइप्स बेसिकली डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा वाला जो हेडिंग है उसको हमें प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली H1 टैग को यूज करते हैं। वैसे ही H2 टैग के थ्रू हम यहाँ पे उससे थोड़ा सा एक साइज छोटा हेडिंग को हम यहाँ पे लगाते हैं। और जो सबसे छोटा वाला हेडिंग है उसको हम पाने के लिए यहाँ पे H6 करके जो हेडिंग टैग है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों सारे चीजों को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली एक बार समझा देता हूँ, तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली हमने यहाँ पे आप देखे थे कि हमने यहाँ तक किए थे कब, ठीक है। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो जो है वो आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जरूर जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ पे, जिस जो एट्रीब्यूट्स मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूँ, ओके, ठीक है। और फिर ये सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या बात, पैसा तो नहीं लगता है ना, तो कर देना, ओके। आई थिंक आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे लोग हैं, कर दो आई थिंक, चल ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो अब हम यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखते हैं वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, ओके। उसके बाद मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे ये लिखा आ जाए, ओके। तो फिर उसके बाद मैं सारे टैग्स को इंक्लूड कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे टैग्स को इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पे सेम टेक्स्ट को ही मैंने डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ तो आई थिंक आपको अभी और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए इस पेज को रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक डिफरेंट टैग्स के लिए डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग्स हमें मिल रहा है, देखिए राइट। तो यहाँ पे H1 टैग है उसके लिए सबसे बड़ा वाला जो ये जो हेडिंग है वो हमें यहाँ पे मिले, ठीक है। उसके बाद H2 के लिए ये मिल रहा है, ठीक है। और H6 के लिए हमें ये सबसे छोटा वाला जो हेडिंग है वो मिल रहा है, ठीक है। तो पूरा समझ में आपको दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा, ओके। तो दोस्तों अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट्स आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इस हेडिंग को भी ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं और भी ज्यादा थोड़ा सा इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस सारे चीजों को हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है इन सारे चीजों के साथ अभी एकदम डील करने, ठीक है। हम हालांकि अब मैं जो सारी चीजें भी करूंगा वो सारी चीजें आप सारे हेडिंग के साथ कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग के साथ ही करूंगा ताकि आपको भी समझ में बहुत ज्यादा आसानी, ठीक है। तो इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी यहाँ से और इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली मैं जो हेडिंग है वो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक दिखा रहा है। मैं इसका कलर का चेंज करूंगा तो मैं इसको लाल कलर का करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे स्टाइलिंग एट्रीब्यूट यूज करने हैं। अब दोस्तों एट्रीब्यूट क्या है ये सब चीजें अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा, ठीक है, तो आप उसको जरूर जाके चेकआउट करेंगे। तो उसके बाद ये फिर हम ऐसे करके स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं कलर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, ओके। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट्स ऐड किया है और ये जो कलर है इसका प्रॉपर्टी है, ओके। और ये जो रेड है वो इसका वैल्यू है, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो देखिए ये जो कलर है ये ब्लू हो गया, सॉरी ये ब्लैक हो, सॉरी गाइस। तो ये जो कलर है ये बेसिकली रेड हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ दोस्तों, मुझे ना डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे आंख के लिए ना ये जो रेड कलर है ना वो उतना अच्छा नहीं है। हर इंसान के लिए रेड कलर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको जल्दी से ग्रे कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से ग्रे कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आई प्लेजिंग लगता है ग्रे कलर, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया, इसको रिफर्स के रिप्लेस करूंगा तो देखना यहाँ पे ये भी ग्रे कलर का हो जाएगा। फिर खासकर आपके जो यूट्यूब है ना
जैसे जगह पे ना एक लाल कलर के बटन है, वो भी थोड़ा सा इरिटेट करते हैं देखने में। तो उसको थोड़ा सा आप दबा के ग्रे कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपको देखने में, मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, कैसे मतलब लाल लाल टमाटर की तरह वहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा दबा के ग्रे कर दो, ठीक है। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो नोटिफिकेशन आइकन है ना, उसके बाद उसको ऑल कर देना, क्योंकि वो भी घंटा है, घंटा को दबा देना चाहिए, है ना, तो दबा, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको तो मैंने एट्रीब्यूट्स जो ऐड किया है वो स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको दिखाया कि कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप किसी वेब पेज में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जाके किसी भी जगह पे अगर आपके माउस को वहां पे मूव दे तो वहां पे थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस चीज के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो न्यू टैब का जो सेक्शन है इस ब्राउजर का, मैं अगर यहाँ पे इसको लेके जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है इस साइन के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू टैब कंट्रोल प्लस टी, तो मतलब बेसिकली इसका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। एक्चुअली बेसिकली ये चीज है क्या, ये हमको ये चीज बता रहा है, राइट। तो ये चीज भी हम भी प्राप्त कर सकते हैं, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल करके और एक एट्रीब्यूट्स है जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो मेरा ऑटो सजेशन में आ गया, तो मैंने डाल दिया एंटर दबा के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये एक हेडिंग रहती है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। तो उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, फिर यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊंगा तो देखिए इस पे भी शो कर रहा है हेडिंग करके, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स किसी भी टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, और ये जो स्टाइल जो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इन दोनों एट्रीब्यूट आप किसी भी टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो, और ये जो टाइटल करके ये जो एट्रीब्यूट है ना, इसको हम बेसिकली इमेजेस के अंदर या फिर कोई ऐसा कोई सिंबल है या फिर कोई ऐसा कुछ बटन है, ठीक है, उन सारी जगहों में इसको यूज करते हैं यूजर को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाने के लिए कि क्यों चीजें है क्या इसके लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा, तो चलिए थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कलर प्रॉपर्टी डाल दिया स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, राइट। इसके अंदर आप जो भी चेंजेस कर सकते हो, कैसे, आप इसके अंदर इसका ये जो टेक्स्ट है ना, इसका आप फॉन्ट साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो, वो कैसे, आपको यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज के। देखिए यहाँ पे ऑटो सजेशन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज करके एक प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, और उसका मैं वैल्यू दे रहा हूँ कुछ अराउंड 50 पीएक्स, ओके। पीएक्स के अंदर दोस्तों, पीएक्स बेसिकली एक यूनिट होता है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, वैसे ही पीएक्स एक मेजरिंग यूनिट होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि पीएक्स एक यूनिट होता है मेजरिंग का, ठीक है। तो मैंने इसका 50 पीएक्स डाल दिया है इसका साइज, देखते हैं वो, देखिए ये साइज है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि इसका मैंने साइज जो है वो बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, ये जो वेब पेज है ना, ये बेसिकली आपको ये जो हेडिंग है वो एकदम लेफ्ट कॉर्नर में दिखा रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा उतना ज्यादा, मुझे इसको सेंटर में करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी डालूंगा बेसिकली टेक्स्ट अलाइन करके, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन करके। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटर, ठीक है, तो मेरा ऑटो फिल में आ रहा है। तो इसके लिए मैं वीजुअल स्टूडियो क्रिएटर को इतने ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब आसान हो जाता है कोड लिखने में, बहुत ज्यादा ऑटो सजेशन में आ जाता है, लेकिन ये एक बैड हैबिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर बार बार ऐसे करके सीखेंगे तो फिर आप ये जो कंप्लीट टैग्स लिखना और उसके साथ साथ ये सारी चीजें कंप्लीट लिखना भूल जाओगे, और जब आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर को बाद में जाके अगर इन फ्यूचर आपको यूज करना पड़ेगा तो वहां पे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने हो जाए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश करने पे देखते हैं क्या चेंजेस आ गया। देखिए ये सेंटर में आ चुका है, ये देखिए सबसे पहले कहाँ दिखा रहा था, इस जगह, अब देखिए कहाँ दिखा रहा है, इस जगह में सेंटर में, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको इस तरह लेफ्ट कॉर्नर कर सकते हैं, हम इसको सेंटर कर सकते हैं, हम इसको राइट कॉर्नर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे चेंजेस करना है, आपको बस यहाँ पे अगर राइट कॉर्नर में करना है तो आप यहाँ पे राइट लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो इसको मैं सेंटर ही रखता हूँ, तो बढ़िया लगता है दिखने में, ओके, कंप्लीट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने तो सेंटर में कर लिया, इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज कर लिया, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम देखते हैं
इसका कैसे डिफाइन करते हैं। दोस्तों वेट बेसिकली क्या है कि ये जो इस आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा हेवी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इसका जो खुद के अंदर जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे है, इसका एंड वेट करके एक प्रॉपर्टी आता है यहाँ पे, तो मैं इसको इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको 20 कर रहा हूँ, 20। यस, चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता, बेसिकली ये फर्क पड़ना चाहिए। रोटो भी एक सकते हैं, तब देखते हैं क्या हुआ। रुको 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 रुको, अच्छी अब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो साइज है, इसका जो स्पेसिंग है अंदर वो कम हो रहा है। हर एक लेटर के अंदर जो खुद का जो स्पेसिंग है ना, वो बेसिकली कम हो रहा है। मतलब बीच को अगर आप देखेंगे, ये सबसे पहले कितना ज्यादा स्पेस लेके बैठा था, मतलब थोड़ा सा ये मोटा था, ठीक है, अब ये बिल्कुल पतला हो गया है। इसको और भी कंट्रोल कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे करके, मेजर करते करते, मतलब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते करते जाना, और आपको जो भी अच्छा लगे, जिस वैल्यू में आपको देखने में अच्छा लगे, आप उस वैल्यू पर रख सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसे करके इसका लुक भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली क्या होता है भैया? फॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या है कि ये जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टाइल का है, राइट, और फॉन्ट फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स है, उसको ही हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के साथ। तो फिर हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इटैलिक दे रहा हूँ, चलो नो प्रॉब्लम, इटैलिक नहीं, सिर्फ यहाँ पे सेंसरिक दे रहा हूँ, सेंसरिक दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये थोड़ा सा चेंज हो गया टेक्स्ट का, फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो कैसे करके हम इसका स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये फॉन्ट फैमिली के यूज करके हमने इसका बंक्स, मतलब ये जो बेसिकली से जो ये जो टेक्स्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका जो बंक्स है उसको मैंने चेंज कर दिया, मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, ब्लिक हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इटैलिक डाल रहा हूँ, तब देखना ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगी, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा ही होता है ये सब चीजें करने के, ठीक है। उसके बाद हम और भी बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका और क्या क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका मार्जिंग और पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं अगर इसका फुल स्क्रीन करूंगा और यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगा, तो फिर आप देखना यहाँ पे मैं अगर लेके आऊंगा ना मेरे माउस को, और सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, एक मिनट, अब देखना एक चीज गौर करने की बात है। तो ये जो हमारा हेडिंग है ना, ये पूरे वेब पेज को लेके बना हुआ है, मतलब एकदम लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक पूरा एकदम कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ चीज डालना है तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, अगर मुझे यहाँ पे कुछ डालना है तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि ये जो हेडिंग है ये पूरे यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक लेके आ रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक दिखा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका साइज को छोटा करना है, इसका साइज को मेन, मतलब ये जो हेडिंग है इसका साइज को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो बेसिकली हम पैडिंग यूज करके कर सकते हैं, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये देखिए, अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए, बेसिकली ये जो हेडिंग है यहाँ पे ये पूरे ऊपर से लेके एकदम यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, राइट। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ भी स्पेस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि जो हेडिंग है वो एकदम पूरे पेज के ऊपर ही रहे, थोड़ा सा नीचे चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं कैसे करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मार्जिन क्या होता है, दोस्तों मार्जिन बेसिकली एक HTML वेब पेज के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उसका ऊपर और नीचे का जो स्पेसिंग होता है उसको हम कंट्रोल करने के लिए मार्जिन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो पैडिंग है वो बेसिकली हम एक HTML एलिमेंट का दोनों साइड का जो स्पेसिंग है वो कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली पैडिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं, आई थिंक आप लोग फिर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड कर रहा हूँ मार्जिन, देखिए सारी चीजें जो है ना ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही आता है, हम बस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन डाल रहा हूँ इसका, सॉरी मार्जिन डाल रहा हूँ कहाँ पे,
चलिए मैं इसका टॉप पे मतलब ऊपर में इसका मार्जिन डालूंगा 20 ppx, ठीक है, डाल दिया। ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कुछ नीचे था, ठीक है, जब मैंने इसका साइज को डिफाइन किया तो ये इस साइज में आ गया, इसका मार्जिन जो है वो इसका साइज में आ गया। और मार्जिन क्या है मैंने बता दिया, इस जो एलिमेंट है ये जो एक हेडिंग है ना, हेडिंग के ये टेक्स्ट बेसिकली, बट ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग का ऊपर का इस हिस्से का और इस हिस्से का जो स्पेस होता है वो होता है मार्जिन, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे इसका ऊपर का साइज को डिफाइन किया, ऊपर का स्पेस को डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं अगर इसको 200 कर दूं बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस आ चुका है क्योंकि मैंने इसका साइज को डिफाइन कर दिया। मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पे 200 पिक्सल का एक गैप चाहिए, ठीक है, ऊपर इसके लिए ये हेडिंग नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब देखेंगे आप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट में जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है बॉडी पे और देखो यहाँ कितना बड़ा स्पेस है, देखिए ऊपर में, ठीक है, ऐसा इसमें तब साइड में भी मतलब नीचे में भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे आपको लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे मार्जिन टॉप, और यहाँ पे लिखना है आपको मार्जिन मार्जिन बॉटम, ओके मार्जिन बॉटम, ओके। तो बेसिकली मार्जिन बॉटम के अंदर हम यहाँ पे उधर 200 पिक्सल का कुछ लिखेंगे, 200 पिक्सल डालेंगे। तो बेसिकली आप इसको यहाँ पे जो मार्जिन है वो नीचे में ऐड हो चुका है, मतलब नीचे भी 200 पिक्सल का गैप क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब आपको ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर और एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली, तो आपको तब पता चलेगा। चलिए H2 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, H2 को इंक्लूड करके क्या लिखते हैं, लाइक कमेंट शेयर, ओके। अब लिख दिया है तो यार कर दो यार, ठीक है, आई थिंक कर दोगे आप, बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, देखिए ये कितना नीचे आ चुका है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया है मार्जिन के थ्रू 200 पिक्सल का, इसके लिए ये नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग ऐड करूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, पैडिंग क्या है उन्हें मैंने बता दिया। ये जो हेडिंग है ना, इसका जो अंदर का जो स्पेसिंग है वो हम पैडिंग से डिफाइन करते हैं, और ये जो एलिमेंट है हेडिंग है बेसिकली, इसका जो साइड का जो जो स्पेसिंग है वो हम यहाँ पे मार्जिन से पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि कहते हैं हम यहाँ पे पैडिंग लगाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे पैडिंग लगाने के लिए फिर से इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग आप कहाँ पे लगाओगे, मैं यहाँ पे राइट साइड में लगाने वाला हूँ, ठीक है, पैडिंग राइट, ओके, पैडिंग राइट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 45 पिक्सल का, चलिए 45 पिक्सल का लगा दिया, और देखिए ये थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा करूंगा तो आपको और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से पता चलेगा कि ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब आपको शायद मतलब उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 450 कर देता हूँ, आई डोंट नो क्या होगा। ये देखिए बहुत ही ज्यादा साइड में हो चुका है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा साइड में हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा था, मैंने एक स्पेस जो है वो डिक्लेयर कर दिया पैडिंग के, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग और ये होता है मार्जिन। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एचटीएमएल के अंदर पी टैग को यूज करते हैं, बेसिकली हम कैसे सिंपल टेक्स्ट को ऐड करते हैं वो हम देखेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन को दबा देना है। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम जरूर लेके आते हैं आप लोगों के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम रोज लेके आते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। भाई एक इंपॉर्टेंट बात करना है दोस्तों, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज जाके वहां पे मुझे फॉलो, ठीक है। तो वैसे तो बाय बाय, सीजन ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।